हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू कुक्ड बाय यशी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल, जो कि दिल्ली, लखनऊ के साथ साथ और भी शहरों में बहुत फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पैन में डाल लेना है एक बड़ा चम्मच ऑयल, स्लाइसेस में कटी हुई प्याज और लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे हम एक से दो मिनट तक ना सॉटी कर लेंगे। यहाँ पे इसे हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सॉटी करना है जिससे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइसेस में कटी हुई गाजर, इसे भी एक मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। एक मिनट के पकने के बाद जैसे ही ये पक जाता है वैसे हम ना एक एक करके सारी वेजीज ऐड कर देंगे। फिर अब हमने ऐड किया एक कटोरी स्लाइसेस में कटी हुई कैबेज, पत्ता गोभी ऐड किया, फिर इसे भी हम एक दो मिनट तक पकाएंगे। जैसे ही ये थोड़ी थोड़ी सी पकने लगती है उसके बाद हम इसमें लास्ट एक और वेजिटेबल है वो भी ऐड कर देंगे। जैसे कि हम नूडल्स बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें ये सारी सब्जियां ऐड करनी है। समझ लो आप नूडल्स बना रहे हो। फिर लास्ट में ऐड करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम लास्ट में ऐड करना क्योंकि ये 2-4 सेकेंड में ऑटोमेटिक गल जाती है। फिर इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया मीडियम फ्लेम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें हम डाल सकते हैं नूडल्स। आप चाहो तो सिर्फ वेजीज भी ऐड कर सकते हो रोल्स में, और आप चाहो तो नूडल्स ऐड कर लो, बट नूडल्स ऐड करो वेजीज के साथ, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें ऐड किया हमने केचप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो आप, विनेगर थोड़ा सा ऐड करना है, एक चम्मच डालना है सोया सॉस, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और अब इन सारी चीजों को फास्ट फ्लेम करके अच्छे से कर लेंगे मिक्स। रोल्स बनाने के लिए आप चाहो तो सिर्फ वेजीज भी उसमें ऐड करके बना सकते हो, आप चाहो तो इस तरह का मिक्सअप करके भी उसे बना सकते हो। अब ये रेडी हो गया, इसे रखते हैं साइड में। और ये रही स्प्रिंग रोल की सीड्स, तो ये होममेड है। इसे हमें नॉर्मली सिर्फ मैदे के आटे को गूंथना है नमक और तेल डाल के, और फिर उसके बाद हमें इसकी इस तरह की पतली पतली सी रोटियां बना करके रेडी कर लेनी है। एकदम झिल्ली और पेपर साइज का हमें बेलना है, जैसे कि रोटियां चपाती बनाई जाती हैं उस तरह की। अब इसी रोटी के ऊपर हम रखेंगे अपना बनाया हुआ मिक्स वेज नूडल। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके हम सारे स्प्रिंग रोल बना लेंगे। अब यहाँ पे जो लास्ट आता है एक फोल्ड के बाद, यहाँ पे हम ऐड करेंगे मैदे का पानी थोड़ा सा, या फिर आप कॉर्नफ्लोर का पानी भी यहाँ पे लगा सकते हो। इस तरह से हमें इसे चिपका करके पैक कर देना है। अब इसी तरह से ना हमें सारे जो हमने रोटियाँ बनाई हैं सीड्स हैं रोल की, इसी तरह से करके हमें एक एक सारे बना करके रेडी कर लेने हैं। आजकल के बच्चों को ना नूडल्स और मैगी से ज़्यादा स्प्रिंग रोल से प्यार है, तो आप इस तरह की चीज़ें ना बच्चों के टिफिन के लिए भी बना के रख सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये रोल्स बना रहे हो तो आप इन्हें ना स्टोर कर सकते हो फ्रीजर में, एंड बाद में इसे आप फ्राई कर सकते हो 2 से 3 दिन, या आप 2 से 3 दिन स्टोर कर सकते हो फ्रीजर में, और उसके बाद जब भी आपको फ्राई करने का दिल करे आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए फ्राई कर सकते हो। देखिए इस तरह से हमने इतने सारे रोल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने। तब तक आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, और इसे जब तक ये उबले ना, जब तक कि पूरी तरह से गर्म ना हो, तब तक हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही ये गर्म होते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे 2-2, 3-3 पीसेस करके रोल्स को ऐड कर देना है मीडियम फ्लेम पे, और इसे हमें हल्का सा ब्राउन होने तक अलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए धीरे धीरे करके ना हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके इन रोल्स को भी अच्छे से ब्राउन कर लिया, और इसी तरह से बाकी के जो पीसेस हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे।
अगर आपको पता हो तो ये रोल्स वगैरह है ना दिल्ली और लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस तरह की चीज़ें स्नैक्स वगैरह है आजकल बच्चों को भी बहुत पसंद आने लगी है। तो इसी तरह की नई नई डिश बना करके ट्राई करते रहिए और कमेंट भी करिए कि आप कौन सी चीज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, वो वीडियो नेक्स्ट डे आपके लिए हाजिर होगी। इसी तरह से हमने सारे रोल्स को फ्राई कर लिए, चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। क्रॉस कट करेंगे जिससे कि वो ना ट्रायंगल टाइप का आएगा। ये देखिए 1/2 पार्ट करने हैं एक रोल्स के, इस तरह से क्रॉस आएगा। और कैचअप के साथ एंजॉय करिए, मजे करिए फैमिली और बच्चों के साथ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखें और डेली अपडेट्स के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। थैंक यू।